हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस दैनिक कार्यक्रम में जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता रसमालन। हम लोग जो है प्रार्थनाओं से प्रारंभ करेंगे, कृपया हमारे साथ जुड़िए। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंकुं मंदयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं तेन तारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानंदमाधवं। हरे कृष्णा, पहली बात तो भक्तों आप सबको श्री श्री रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरि बोल। हरिभो हालांकि हमारे बीवाईसी में हम लोग रामनवमी मना चुके हैं, आज सारे भक्त लोग मोस्टली मोस्ट ऑफ द डिवोटीज आर इन टेम्पल्स, इधर श्री श्री राधा कुंज बिहारी और श्री श्री राधा वृंदावन। तो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीता जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय। ठीक है, तो मेरा श्लोक था 3.2 और कल के वक्ता ने 3.3 कर दिया, तो एक श्लोक आगे पीछे हमने किया है। तो कल के जो वक्ता थे उनको हमने निवेदन किया था कि आप तीसरा श्लोक लीजिए तीसरे अध्याय का, क्योंकि दूसरा के हम तैयारी कर चुके थे पहले। ओके, देने वाले थे लेकिन कुछ मीटिंग्स थी इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से मुझे चेंज करना पड़ा। तो वैसे भी लास्ट मोमेंट में स्पीकर डिसाइड होने वाला है, तो हमें लगा हम लोग क्या करेंगे, हम 3.2 के ऊपर चर्चा करेंगे, उनको 3.3। सो आगे पीछे थोड़ा हो गया, चलेगा ना, चलता है। ओके, चलता है। तो हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। श्लोक आपके सामने है, आप प्लीज मेरे पीछे दोहराइए। व्यामिश्रेण बुद्धिं मोहयसीव तदेकं येन श्रेयो हमाप्नुयाम वामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं येन श्रेयो हमाप्नुयाम व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्या येन श्रेयो हमाप्नुयाम। दो डिवोटीज ऑफलाइन, फिर दो डिवोटीज ऑनलाइन, बोलिए। बुद्धिमोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्या येन श्रेयो हमाप्नुयाम व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्या येन श्रेयो हमाप्नुयाम। ठीक है, ऑनलाइन। व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। साधु, योर कोऑर्डिनेशन इज ऑलवेज 100%। कृष्णा इज वेरी प्लीज्ड विथ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, वंडरफुल। ठीक है, फिर एक बार आप सबका स्वागत है। तो इस श्लोक में हो क्या रहा है ये समझाने से पहले मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ जो मेरे जीवन में घटी।
तो हमारे शिक्षा गुरु श्रीमान राधेश्याम प्रभु हमें क्लास दे रहे थे। उन्होंने क्लास में बताया जप कैसे करना चाहिए। जप जो है वो प्रार्थना के भाव से करना चाहिए। तो हम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ऐसे जप करते हैं, तो जप मुंह से निकलना चाहिए, हृदय से निकलना चाहिए। और हृदय का जप मतलब प्रेयरफुल चैंटिंग। अगर हमारा चैंटिंग प्रार्थना पूर्वक नहीं है, इट इज लाइक, प्रभु जी ने उदाहरण दिया था, इट इज लाइक राइटिंग अ लेटर विच हैज नो कंटेंट, विच मीन्स एम्प्टी लेटर। यस, कितने लोग एम्प्टी मेल आते हैं, समटाइम्स यू गेट ओपन, ओ समबडी सेंट मेल, किसी ने मेल भेजा है, चलो इसको खोल के देखते कुछ नहीं है उसके अंदर। या फिर किसी ने लेटर भेजा है, लेटर के अंदर कुछ नहीं है। अरे किसी ने गिफ्ट भेजा आपको, टुडे गिफ्ट, बर्थडे बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गिफ्ट, और आप खोल के देखेंगे बॉक्स, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। सिमिलरली दैट इज व्हाट इज चैंटिंग विदाउट प्रेयरफुल मूड। ऐसे प्रभु जी ने क्लास दिया, मैं बड़ा इंस्पायर हो गया। वाह वाह, बढ़िया, टू गुड। तो क्लास के बाद अगले दिन देयर वाज चैंटिंग। अगले दिन क्या था? चैंटिंग। तो चैंटिंग सेशन के पहले प्रभु जी जपा टॉक दिया करते हैं। तो चैंटिंग के जपा टॉक के समय प्रभु जी ने कहा, देखो ऑल वी हैव टू डू इज वेरी सिंपल, हमें जो करना बहुत सरल है। आप लोग मुझे समझ पा रहे तो वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। मुझे नहीं समझ रहा कि आप लोग समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, तो वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चैंटिंग कुछ नहीं है, आसान है। बोला अच्छा, कली तो आप बोले तो बहुत मुश्किल है। बोला बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। आप लोगों को जो है आपकी मन की आंखों में दो दो शब्द, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे दो दो शब्द, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16, तो ऐसे 16 शब्दों का मंत्र जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे आपके माइंड में दो दो शब्द विजुअलाइज करने हैं, दृष्टि में देखने और जप करना, इतना आसान है। बोला बाप रे, ये तो बहुत अलग था कल के लेक्चर से। तो जपा टॉक के पहले प्रभु जी जो है जपा टॉक देने के बाद हम लोग हरि नाम प्रभु की जय बोलते हैं, फिर सभी वैष्णव को दंडवत करते हैं, उसके बाद तुरंत प्रभु जी गायत्री करना शुरू करते हैं। तो गायत्री अपने ब्राह्मण थट को पकड़ने से पहले मैं भाग के गया, प्रभु जी प्लीज स्टॉप, मुझे डाउट है, आप गायत्री करने। प्रभु जी बोले यस प्लीज टेल मी। प्रभु जी एकदम प्रेम से बोल दिया टेल मी। तो मैंने बोला प्रभु जी कल के प्रवचन में आपने कहा कि अगर प्रार्थना नहीं है, प्रेयरफुल मूड नहीं है, इट इज लाइक गिविंग एम्प्टी गिफ्ट, वो एम्प्टी लेटर एम्प्टी मेल का एग्जाम्पल दिया था, और आज आप बता रहे हैं कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो 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 ऐसे शब्द करना है। आई एम बिविल्डर्ड, मैं एक तरीके से कंफ्यूज हूं। मैं कंफ्यूज क्यों हूं? क्योंकि आपने मुझे इक्विवोकल इंस्ट्रक्शन दिए। इक्विवोकल इंस्ट्रक्शन मतलब, ऑफकोर्स इक्विवोकल मतलब उल्टा उल्टा पुल्टा इंस्ट्रक्शन। आपने कहा प्रेयर इंपॉर्टेंट है, इधर आप बोल रहे प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है। तो प्रभु जी क्या इंपॉर्टेंट है, प्रेयर या प्रोनाउंसिएशन? ऐसे मैंने प्रश्न किया। प्रभु जी सर बहुत है इंपॉर्टेंट। तो बोला बाप रे, एक टाइम पे एक ही होगा प्रभु जी, आप एक बताओ ठीक से, तद एकम वद निश्चित, एक एक बताओ कौन सी करूं। प्रभु जी ने कहा सी हु इज द ऑडियंस हियर। मैंने घूम के देखा, इट वाज एक्चुअली न्यू बॉयज प्रोग्राम, मतलब जो पहले साल भक्ति में कर रहे थे। लेकिन कल किसका प्रोग्राम था? बोला कल सीनियर्स का प्रोग्राम था। यस वेरी ट्रू। तो मैंने ऑडियंस के हिसाब से इंस्ट्रक्शन दिया। कल आप सीनियर बॉयज का प्रोग्राम था, तो सीनियर बॉयज के प्रोग्राम में जो है What I said is relevant because आप लोग ये सब pronunciation सब कर चुके, तो then you have to bring prayer, correct? लेकिन ये नए लड़के हैं, इनको prayer वेयर कुछ समझ में नहीं आएगा, उनको पहले pronounce करना सिखाओ सी ठीक से, हरे कृष्णा टू टू लेट यू नो दे प्रोनाउंस इट प्रॉपरली, टू टू वर्ड्स एट अ टाइम, दो दो शब्द मिलके प्रोनाउंस करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर जाके मेरा माइंड क्लियर हो गया, अच्छा ऑडियंस थोड़ा हम सीनियर वॉइस, फाइन नो प्रॉब्लम। तो इधर भी क्या हो रहा है, व्यामिश्रेणैव वाक्येन, व्यामिश्रेणैव वाक्य मीन्स इक्विवोकल इंस्ट्रक्शन, यानी कि दो इंस्ट्रक्शन जो बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में है, जैसे मुझे लगा था, राइट? अभी भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में क्या क्या समझाया, भगवान ने जो है बताया कि ठीक है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आत्म तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मा के बारे में पढ़ना है, सांख्य योग, ठीक है। लेकिन उसी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण उनको बोल रहे, अरे तेरे को युद्ध भी करना है, अरे युद्ध करना है या आत्मा का ज्ञान देना है, हाउ कैन आई डू बोथ, मैं दोनों कैसे कर सकता हूं? यस, तो ये अर्जुन का क्या था, संशय था, मैं दोनों तो नहीं कर सकता, इसलिए आप बताओ कि विच वन इज बेटर। पिछले श्लोक में क्या बोला अर्जुन ने, यू टेल मी विच इज बेटर,
तो जब उसको दूसरा अध्याय अर्जुन ने सुना, क्या हो गया था? बुद्धिम मोहयसीव मे, अर्जुन की बुद्धि क्या हो गई थी? अर्जुन की बुद्धि कंफ्यूज हो गई थी। अंग्रेजी में बहुत ही एक बढ़िया कहावत है, कहावत यह है कि इफ यू कैन नॉट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। अगर कोई व्यक्ति आता है और आपको क्वेश्चन पूछता है, एंड टफ नट, व्यक्ति बहुत टफ है, वो बिल्कुल मान नहीं रहा, कुछ भी तर्क आप बोलो, नहीं, ओ यू आर नॉट एबल टू कन्विंस हिम, देन बेटर कंफ्यूज है, दंग हो जाएगा, फिर आप निकल जाओ, काम हो गया। क्योंकि आप कंफ्यूज करते हो किसी व्यक्ति को, फिर वो ज्ञान ढूंढने आएगा और डीपर नॉलेज। तो क्या भगवान श्री कृष्ण भी यही नहीं कर रहे हैं? यस, एक तरीके से वही कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। सो अर्जुना वॉज कंफ्यूज, कृष्ण कंफ्यूज अर्जुना मोर, क्यों? ताकि एक तरीके से अर्जुना जो है डीपर नॉलेज और गंभीर ज्ञान प्राप्त करने के पीछे पड़े, राइट? कोई व्यक्ति कंफ्यूज नहीं कर रहा, इज वेरी इगोइस्टिक। अभी अर्जुन इज नॉट इगोइस्टिक, ही इज रियलिस्टिक। यस, देखिए आप बताइए, क्योंकि दूसरा अध्याय का शीर्षक क्या है? दूसरे अध्याय का शीर्षक है गीता सार, मतलब सब कुछ, गीता का टॉपिक सब कुछ एक साथ दे दिया आपको। यस, एक साथ। और प्रभुपाद जी लिखते, इट वॉज वेरी अनऑर्गेनाइज, मैंने कि सिस्टमैटिक, क्रम अनुसार ज्ञान जो है, सिस्टमैटिक नॉलेज नहीं दिया था भगवान ने। भगवान ने एक साथ सब कुछ डाउनलोड कर दिया अर्जुन के ऊपर। यस, हॉच पॉच सब कुछ बोल दिया, कंटेंट ऑफ गीता समराइज। तो अर्जुन और कंफ्यूज हो गया, राइट? तो क्रम अनुसार सिस्टमेटिक नॉलेज चाहिए था भगवत गीता का। बट सोच लीजिए, ऑर्गेनाइज स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए हमारा क्या होता है, हमें जो है भगवान श्री कृष्ण ने 700 श्लोक दिए विद सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन, फिर भी समझ में आता है? नहीं आता। इसीलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे, परपोट्स, फिर भी समझ में आता है? नहीं, बार बार पढ़े तो भी नहीं आता। कुछ लोग भक्ति शास्त्री ज्वाइन करते हैं गीता पढ़ने के लिए, फिर भी समझ में आता है? तब भी थोड़ा बहुत ही समझ में आता है। कुछ लोग हमारे जैसे भक्ति शास्त्री पढ़ाते हैं, फिर भी घमंड नहीं करूंगा, सच्चाई बताऊंगा, हमको भी नहीं समझ में आता है। यस, तो सोचिए, भक्ति शास्त्री टीचर बन के भी, यानी कि सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन कृष्ण ने दिए, 700 श्लोक दिए, प्रभुपा जी ने तात्पर्य दिए, भक्ति शास्त्री क्लास ने नोट्स दिए, हम पढ़ाते भी है तब भी वी कैन नॉट अंडरस्टैंड फुल्ली। तो सोच लीजिए, जस्ट इमेजिन, अर्जुन ने जो है दूसरे अध्याय के बाद बोल दिया, थैंक यू कृष्णा, आई गॉट इट, मुझे समझ में आ गया, महापुरे, फिर क्या हो जाता? कुछ लोग बोल रहे फिर बहुत आसान हो जाता प्रभु जी, गीता डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान हो जाता। यस, सिर्फ गीता के कितने अध्याय? दो। कितने श्लोक का? 118, 46 + 72, बस। यस, इतने ही श्लोक है और उसके बाद जो है बहुत आसान हो गया। 118 श्लोक में पूरी गीता फिनिश, और इतनी सी छोटी सी बुक होती है। तो गीता जब भी कोई बुक डिस्ट्रीब्यूट करता है, स्कोर विल बी स्मॉल बुक डिस्ट्रीब्यूटेड, वन स्मॉल भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूटेड, स्मॉल बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसने, ऐसे हो जाता। सोचिए कितना आसान हो जाता है, हर कोई याद कर लेता है। 118 श्लोक ठीक है, डन, याद कर लेंगे। 700 श्लोक थोड़े सुन के थोड़ा डर लगता है, बट नो, अगर उधर ही खत्म हो जाती तो हमें एक डीप नॉलेज, एक संपूर्ण ज्ञान या फिर सिस्टमेटिक नॉलेज ये मिलता नहीं। इसलिए अर्जुन की बुद्धि क्या थी? बुद्धिर मोहयसीव में, बुद्धि भ्रमित हो गई है बिकॉज ऑफ दिस अनऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन। यस, कुछ प्रीचर्स ऐसे होते हैं, ऑफकोर्स मैं किसी के नाम या फिर किसी को सोच के नहीं बता रहा हूं, लेकिन देखा है कि बहुत बार प्रीचर आते हैं, वो कन्विंस होता है पूरा, और जो कुछ भी फिलॉसफी आती है सब डाउनलोड कर देते हैं उसको, स्टार्टिंग से लेके अब तक जो भी पढ़ा है सब डाल दो, जितने भी एग्जाम्पल याद रहे सब डाल दो, फिर ऑडियंस को चक्कर आता है, भाई करना क्या है लास्ट में? दैट वॉज द पॉइंट, आप सबको बताना था कि कितना ज्ञान है, देखो और पढ़ना चाहिए। सो समटाइम्स इवन द ऑडियंस मे गेट कंफ्यूज, स्पीकर कुछ करते हैं ऐसे, जो आता है एग्जाम्पल डालो, जो श्लोक आता है बोलो, क्यों बोला भाई? मेरे को आता है इसलिए बोल दिया, बस भाई ये स्टोरी क्यों बोली थी? अरे कुछ नहीं यार, सुना दिया बस, अरे ये श्लोक वगैरह, अरे श्लोक आता है इसलिए बता दिया, तो स्टोरी, प्रभुपाद के एनेक्डोट, प्रभुपाद के पास टाइम सब डाल दिया। Yes. उससे क्या होता है, उससे एटलीस्ट एक चीज हो जाती है, ऑफकोर्स जो वक्ता है उसका शुद्धिकरण होता ही है, उसी के साथ साथ जो श्रोता है वो समझ में आता है, भाई और कुछ बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, दस अ लॉट मोर टू स्टडी, कितना कुछ है भाई, हमको कुछ नहीं आता, सामने वाला हम्बल हो जाता है। यस, देयर इज ऑल्सो प्योरिफिकेशन, क्योंकि विनम्रता आने के बाद, वंस यू बिकम हम्बल, उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से आप जो है, एटलीस्ट वो तो हो गया।
तो इस तरीके से सब कुछ डाउनलोड कर दिया है, ऐसा प्रचार करना भी नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स वगैरह लेते हैं जिसमें बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक क्लास का ऑब्जेक्टिव। तो भगवान का दूसरे अध्याय के बाद ऑब्जेक्टिव यही था, कंफ्यूज अर्जुना मोर एंड ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल अचीव्ड। भगवान कभी फेल नहीं होते, यस इट डज नेवर फेल्स। लेकिन प्रचारक का वो ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, भाई तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कंफ्यूज करना था सब। फिर आपको कोई बुलाया गया नहीं प्रवचन के लिए, तो हमारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि हमको कंफ्यूज करना है। उल्टा हम लोगों को, लोगों को जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान बताया है उसको पूरी तरीके से प्रस्तुति करके उसको बताने का प्रयास करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू बी इन लाइन, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, इतना हो सके प्रचारक को ऑर्गेनाइज। तो तब क्या हुआ, अर्जुन क्या बोल रहे, तद एकम वद निश्चिद्य, तुम बताओ मुझे करना क्या है। देखिए अर्जुन प्रश्न कर रहा है, दैट्स वेरी गुड। हमारे मन में भी डाउट्स प्रश्न होने चाहिए, वी शुड बी हैविंग क्वेश्चंस। प्रवचन होने के बाद ऐसे नहीं कि प्रवचन में बैठे हैं, प्रवचन हो गया चलो टाइम देगा प्रसाद आउट, नो वी शुड हैव क्वेश्चंस। तो ये अर्जुन बहुत अच्छा स्टूडेंट है क्योंकि वो जो है क्लास में आगे बैठ करके प्रश्न कर रहा है, नोट भी कर रहा है, एक एक पॉइंट नोट कर रहा है। यस तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आता, वी डोंट गेट एनीथिंग क्लियरली, वी शुड आस्क क्वेश्चंस। कि वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा क्लास, लेकिन आई एम स्टिल, मेरे पल्ले नहीं पड़ा, व्हाट टू डू। यस दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, पूछना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आया पूछना चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं दिखा पूछना चाहिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग। ऑफ कोर्स हियरिंग भागवतम इटसेल्फ इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भागवतम पढ़ लिया अभी इस सेक्शन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, कुछ नहीं, श्रवण किया शुद्धिकरण हुआ बस, दैट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हियरिंग भागवतम इटसेल्फ इज प्रैक्टिकल। लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न आते हैं, मीनिंगफुल क्वेश्चंस। यस जो क्वेश्चन गूगल बता देगा आपको, वही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। हाँ प्रभु जी, वैसे दशरथ महाराज के जितने भी पत्नियां हैं, 350, 353 है, 350 के नाम बताओ, आपको पता है? हाँ पता है, नहीं पता? मैं, मेरे को पता है, गूगल को पता है। देखो ये 350 नाम, इट्स इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, क्या कर लोगे नाम जान के, क्या क्या बड़ा तीर मारोगे। सो दैट्स इंफॉर्मेशन, वी आर लुकिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए बात करनी चाहिए, राइट? तो अर्जुना इज आस्किंग बिकॉज वो प्रैक्टिकली क्या करना है, इज वेरी प्रैक्टिकल। देखिए महाराज परीक्षित, ही इज वेरी क्लियर, मुझे क्या करना, अभी मेरा जो है 7 दिन के बाद मृत्यु होने वाला है, तो मुझे करना क्या, व्हाट एम आई सपोज टू डू, प्लीज टेल मी क्लियरली, यस क्या करूं मैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछने चाहिए जैसे परीक्षित महाराज ने पूछे, जैसे नचिकेतास ने यमराज को पूछे। आप लोग नचिकेतास की कहानी जानते हैं? कौन कौन जानते हैं? होमी फिलो, क्या ऑफ करना पड़ेगा? ठीक है ठीक है, माइक से ज्यादा नहीं होता, एक कुछ लाइट्स ऑफ कर दीजिए, अंदर के सारे लाइट्स ऑफ कर दीजिए, वरना वो जितना है लाइट वो भी चला जाएगा इन्वर्टर। यस हो गया, मेरी आवाज आ रही है? विल नॉट यूज द माइक्रोफोन, चलेगा। तो नचिकेतास की कहानी बताओ। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो एक यज्ञ कर रहा था, और वो यज्ञ के बाद जो दान होता है, दक्षिणा होती है। नहीं, आप ठीक है, ओके। सो यज्ञ कर रहा था, यज्ञ के बाद दान क्रिया थी। सो दान क्रिया में व्यक्ति क्या कर रहा था, ये दान क्रिया में ये व्यक्ति जो है गाय दान कर रहा था, गोमाता। लेकिन वो ऐसे गाय दान कर रहा था जो दूध नहीं देती, ऐसे दान ब्राह्मणों को कर रहा था, गाय को। नॉर्मली लोग गाय का दान करते हैं किस लिए, ताकि दूध, ब्राह्मण दूध पी सके और ये पी सके। यस ओके, पुट द फैन कर, डाल दे, वैसे भी जाना ही है, वैसे भी जाए, चले चले जाएगा, इट्स ओके। डोर मत खोली प्लीज, आवाज आएगा, लीव इट एज इट इज, इट्स ओके, फोकस ऑन द क्लास, बैक टू क्लास, बैक टू क्लास, लेट्स हियर। कहां पे थे? या यस, सो गाय डोनेट किए उन्होंने और वो दूध नहीं दे रही थी। तो नचिकेतस ने देखा, अरे पिताजी आप ऐसे गाय दे रहे हैं जो दूध नहीं देती, ये सब बूढ़ी गाय है, ओल्ड एंड इनवैलिड, तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे भी आप दे देंगे क्या? छोटा लड़का था नचिकेतस। सो पापा से, हाँ मैं तुम्हें यमराज को दे दूंगा। लेकिन वो यज्ञ चल रहा था, जो बोलते सच हो जाता है। तो लाइन में ब्राह्मण खड़े थे, एक लाइन में जाके यमदूत भी आ गए उधर।
वो भी लाइन में आ गया और वो देख रहे थे लाइन में, ये लोग क्या कर रहे, अजीब लग रहे हैं लोग, कुछ अलग डिफरेंट। ब्राह्मण लोग मस्त देखने में एकदम सात्विक प्योर, उनको देख के पॉजिटिविटी आती है, तीन बदमाश लोग कैसे आ गए, कौन है ये लोग? तो बोला कौन है, आपने बोला आप बेटे को यमराज को दे देंगे, हम लेने आए हैं, यज्ञ चल रहा था ना, सच हो गया। बहुत दुख से जो है उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने भेज दिया, तो उन्होंने भेज दिया। भेजने के बाद जो है नचिकेतास यमलोक चला गया। यमलोक जाने गए तब यमराज जी जो थे वो कैजुअल लीव पे थे, छुट्टी कैजुअल लीव, तो 3 दिन कैजुअल लीव पे थे, क्योंकि उनको पता नहीं था अभी नचिकेतास आ गया, लेकिन छोटा बच्चा है, इसके साथ क्या करें हम लोग, आ तो गया, दक्षिणा है ना, दान, वो एक पाप आत्मा की तरह नहीं आया, दान के रूप में आया, तो क्या करेंगे। सो 3 दिन वेट करना पड़ा, बिकॉज यमराज इज ऑन लीव, चित्रगुप्त के ऑफिस में वेट कर रहा था बेचारा 3 दिन। उसके बाद यमराज आए, ओके यस कोई केस पेंडिंग? बोला बड़ा केस है ये, इस बच्चे का क्या करे। बोला ये बच्चा कब तक, कब से वेट कर रहा है, 3 दिन से वेट कर रहा हूँ। तो यमराज जो है बहुत करुणा भाव आ जाता है उनमें, इसे क्योंकि तुमने 3 दिन वेट किया, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, तुम 3 वरदान मांगो मुझसे, मैं दे दूंगा। तुमने कहा पहला वरदान ये है कि मुझे पिताजी को वापिस कर दो। बोला डन, पक्का करूंगा। दूसरा वरदान, पिताजी मुझे माफ करने चाहिए और सब कुछ भूल जाने चाहिए, जो हुआ वो भूल जाने दो। बोला डन। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न वो पूछते हैं कि जीवन का रहस्य क्या है, व्हाट इज बियॉन्ड डेथ, हमें जीवन क्यों मिलता है, मृत्यु क्यों होती है। यमराज हंसता है, यमराज हंस के बोलते नचिकेतास मैं चाहिए तो तुम्हें जो है एक बड़ा राज्य दे सकता हूं और तुम्हें बड़ा महाराज बना सकता हूं, ये क्वेश्चन भूल जाओ, स्किप कर दो। तो नहीं, मुझे इसी प्रश्न का उत्तर चाहिए। बोला मैं तुम्हें सोने हीरे मोती और पूरे भूलोक का राजा बना सकता हूँ, ये क्वेश्चन स्किप कर दे प्लीज। बोला नहीं, मुझे यही क्वेश्चन का आंसर चाहिए। हे नचिकेत, मैं तुम्हें स्वर्ग का भी राजा बना सकता हूँ, इतनी शक्ति मेरे पास, लेकिन ये क्वेश्चन स्किप मार दे। नचिकेत बोलते अभी तो मेरे को यही क्वेश्चन का आंसर चाहिए। वेरी गुड, तो नचिकेतास वॉज वेरी ईगर टू आस्क क्वेश्चन अबाउट लाइफ एंड डेथ एंड बियॉन्ड, मतलब बेसिक जो हमारी शास्त्र में फिलोसफी है, सिद्धांत है, उसको समझाना चाहते थे। एंड देन यमराज ने उनको ज्ञान दिया। तो ये नचिकेतास की तरह हमें जो है क्वेश्चन पूछना चाहिए, डेस्परेट, जो प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर डिपेंड हो। और फिर क्या होता है नेक्स्ट सेक्शन, ये न श्रेयो अर्जुन, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्किंग, ये श्रेनो नु आपनु श्रेय, दिस श्रेय शब्द इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जुन नहीं बोल रहे कि कृष्ण यू टेल मी व्हाट इज इजी, थोड़ा इजी मेथड बता दो, इसमें कम पैसे लगते हैं, यस वो वाला बता दो, या फिर कम टाइम लगता है जो करने में आसान है, ऐसा कोई मार्ग बता दो, गिव मी सच एन इंस्ट्रक्शन। क्या अर्जुन ऐसे पूछ रहे? बिल्कुल नहीं। श्रेय मतलब नो, आई डोंट वांट समथिंग विच इज इजी, श्रेय लॉन्ग टर्म गोल, भले वो कठिन हो, भले वो कीमती हो, भले बहुत समय लग जाए, फिर भी मैं जरूर करूंगा, आई विल डेफिनेटली डू इट। तो प्लीज आप बताइए मुझे क्या करना है। तो बहुत बार शॉर्टकट लेने की टेंडेंसी हम में होती है, मानो कोई डिजीज हो जाए बॉडी में, तो हम लोग नॉर्मली पेन किलर टेक्नोलॉजी प्रेफर करते हैं, एक पिल लिया पेन खत्म, फाइन डिजीज भूल गए, नो। बट एक्चुअली कोई व्यक्ति, इफ यू गो टू एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो व्यक्ति बोलेगा आपको, नहीं आपका क्या हुआ है, आपके इसमें वात बढ़ गया है सिस्टम में, तो आपको पहले लाइफ रेगुलेट करना पड़ेगा, टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, यस सर, उसके बाद आपको ये 1 2 3 4 आइटम्स अवॉइड करने हैं, यस आपको जो है 9 बजे और 5 बजे ही खाना खाना, 9 बजे सुबह 5 बजे, 2 टाइम, कितना प्रमाण में खाना है वो भी ठीक है, और ये जड़ी बूटी ले लीजिए। सो वो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा 3 महीने तक, सात्विक लाइफ मेडिसिन तभी काम करेगा, ऐसा आप 3 महीने तक फॉलो कीजिए, नेचुरली आपका वात कम हो जाएगा, और अवॉइड द फैन, स्पेशली फैन मतलब वात, जिनको वात है दे शुड नॉट बी अंडर द फैन, वैसे वो बताएगा, बट इट इज समथिंग विच इज टू फॉलो प्रॉपरली, जिससे वात निकलेगा। लेकिन बाकी पेन किलर टेक्नोलॉजी कैसे, टेक अ पिल कीप क्वाइट, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, यस उससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता, पेन कम होता है, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता, राइट। तो अर्जुन को ऐसे पेन किलर टेक्नोलॉजी शॉर्टकट नहीं चाहिए था, बराबर, और वैसे शॉर्टकट है भी नहीं, लोग बताते प्रभु जी आसान शॉर्टकट है क्या बैक टू गॉड जाने का। मतलब क्या है बताओ, अरे बिना चैंटिंग जा सकते हैं क्या हम लोग, ये बहुत मुश्किल है, ये माला घुमाने वाला चीज ना बहुत, बाकी अच्छा सेवा अच्छा है, प्रसाद बहुत अच्छा है, भक्त लोग बहुत बहुत अच्छे हैं, यस विगरस देयर वेरी स्वीट, लेकिन ये माला घुमाना ये नहीं जमता, बट दैट इज द मेडिसिन। बिना दवाई कोई पेशेंट ठीक होता है नहीं होता, उसी प्रकार से यू हैव टू टेक, एंड बाकी सारी चीजें दैट वी डू इट्स ऑल अराउंड व्हाट,
अब बंद कर दीजिए। पूरा बंद हो जाएगा, फैन लाइट को बंद कीजिए, पूरा बंद हो आप सिर्फ जाएगा। फैन ऑफ,